अभी हम दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर हैं और आज आपको दिखाने वाले हैं 200 रुपए में कहां कहां और क्या क्या खा सकते हैं। तो चलिए, इतनी महंगाई में हम आपको इतने सारे आइटम दिखाएंगे कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं। लाओ 200 रुपए जो दिए थे उधार। लो भाई, मैं तो हो गया परेशान। इसे छोड़ो, आज इतने से रुपए में दिखाएंगे आपको ढेर सारे पकवान। इस समय हम भाई साहब दिल्ली के अंदर और जहाँ 200 रुपए में भाई लोग ढूंढते हैं ना कि हमें क्या क्या मिल जाए, आज हम आपको इतने से पत्ते में इतनी सारी चीजें दिखाने वाले हैं कि आपको देखने के बाद ना दिल खुश हो जाने वाला है। तो आइए बातें कम करेंगे, दिखाएंगे ज्यादा। आइए, तो आ चुके हैं हम अपनी पहली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ जी भैया, सबसे सस्ता शीरमाल कितने का है? आइए, स्वागत है आपका साई शीरमाल की दुनिया में। सबसे कम वाला शीरमाल हमारा 35 रुपीज का होता है, जो कि स्वीट होता है, लाइट स्वीट। खाने के बाद देता ओके की रिपोर्ट, थैंक यू के साथ। साई शीरमाल, राजा का खजाना, स्वीट, लाइट स्वीट। अरे वाह, तो आपको दिखाते हैं इनका 35 वाला शीरमाल ना बनता है कैसे है, थोड़ा सा प्रोसेस भी दिखाते हैं और आइए टेस्ट भी करेंगे। और हमारा शीरमाल यहाँ पे एकदम तैयार, और अब ये जाएगा भाई साहब घी के अंदर डुबकी मारने। चेक करिए आप, ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है भाई। खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है बेहद, और ये है एकदम तैयार। तो चलिए इसको भी प्लेटिंग करते हैं इसकी। और ये 35 रुपए वाला शीरमाल हमारा तैयार है, जिसको बोला जाता है देसी मुगलई पिज्जा, स्वीट, लाइट स्वीट। खाने के बाद देगा ओके की रिपोर्ट। भाई पिज्जा भी बोला जाता है? हाँ जी, देसी मुगलई पिज्जा। तो भाई आज भी हम ना 35 भारत का नंबर वन शीरमाल। अच्छा जी। हाँ जी, तो 35 रुपए वाला ना भाई मुगलई पिज्जा ट्राई करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, कितना अमेजिंग सा लग रहा है, आइए ट्राई करते हैं। शाही मिठास के साथ भाई एकदम मीठा मीठा लग रहा है, ठीक है। और बाहर से इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर से इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुंह में जाके ना मतलब ये लगा लो रसगुल्ले की तरह गायब हो गया। तो ये तो मज़ा आ गया। अब चलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं 200 रुपये, ठीक है, और समय बहुत कम है, आ जाओ। नेक्स्ट जो जगह है वो है भाई यहाँ पे बढ़िया वाला कूल पॉइंट, जहाँ पे अभी हम क्या खाने वाले भाई साहब बताइए। भाई आप यहाँ पे खाने वाले हो शाही टुकड़ा, यहाँ का पुरानी दिल्ली का फेमस मीठा मेरे भाई। ये लो। हाँ जी, ये है प्लेन शाही टुकड़ा। ओके, 40 रुपीज ओनली। 40 रुपए का मात्र? ओनली 40 रुपीज। अरे वाह भाई, एकदम गर्मा गर्म है। तो आइए ट्राई करते हैं अब, ठीक है, कैसा होने वाला है इसका टेस्ट। और सबसे पहले आप जरा पास से देखिए भाई, देसी घी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो इतना सारा देसी घी है। ये मतलब देसी घी इसके अंदर डाला या देसी घी में इसको डुबा दिया है, कुछ ही समझ नहीं आ रही भाई, ठीक है। तो आइए थोड़े से मजे लेते हैं, नज़ारे नहीं हम लेते हैं इसके मजे, आप ले इसके नज़ारे। बेहद मीठा, बहुत ही बढ़िया, और जो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और इतना ज़्यादा गर्मा गर्म है कि पकड़ा भी नहीं जा रहा। और ऊपर से आपको यहाँ पे दिख रही होगी क्या डाला, सॉरी सॉरी सा, ये भाई दूध खोया क्रीम की मलाई होती है हमारी। अच्छा, ये मलाई है भैया। ओके, फिनिश होता है ब्रेड। तो भाई मलाई भी है, मलाई भी टेस्ट करेंगे। मतलब आज भैया बढ़िया सारी चीज़ें खा लेना, एंड में आके खा लो, आपका दिन जो है ना कंप्लीट का हो जाएगा। तो अब चलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट जगह पे लेके, क्योंकि पैसे अभी भी हमारे पास थोड़े से बचे हुए हैं, आ जाओ। तो अभी हम आए हैं कुरेशी कबाब कॉर्नर में, जामा मस्जिद की फेमस आन बान और शान है ये दुकान। तो आइए आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पे जरा इनकी एक बार यार स्पीड चेक करिए, गोली की स्पीड से जो है सारे कबाब यहाँ पे बनते हैं, और उसी स्पीड से उसी प्रेम भाव से यहाँ पे जो लोग हैं ना भाई खाते भी हैं। आप देखिए कितने चंद सेकंडों के अंदर कितने सारे जो कबाब हैं लगाते जा रहे हैं। और यहाँ पे जरा एक बार फायर चेक करिए इनका, ओ भाई साहब गजब। और यहाँ पे हमारे चिकन के भाई साहब कबाब आ चुके हैं, और बटर देखिए कितनी मोहब्बत से डाला जा रहा है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, भर भर के बटर डाला गया है। और अब क्या डाला गया, रेडी। अभी हम आए हैं कुरेशी कबाब कॉर्नर पे भाई, जामा मस्जिद की ना ये दुकान बहुत बड़ी जान है, ठीक है। वैसे तो चार कबाब यहाँ पे 200 रुपए के, पर हमने ना भाई यहाँ पे एक कबाब लिया वो पड़ता है 50 रुपए का, ठीक है। तो भाई आपको बहुत सारी चीजें दिखानी थी, भाई ये भी हमने दिखा दिया। तो आइए टेस्ट करते हैं, 50 रुपए के अंदर बेहद बढ़िया स्वाद है। जरा आप एक बार पास से दिखाइए जरा इनको, ये देख रहे हो आप, चेक करिए आप, अंदर आपको रेशे रेशे दिखाई दे रहे होंगे भाई, यही है परफेक्ट कबाब की निशानी। बाहर से बहुत ही ज्यादा करारा और अंदर से उतना ही नरम, तोड़ने में भाई आपको ना इसकी नजाकत पता लगेगी जब आप इसको तोड़ेंगे ना बढ़िया तरीके से। तो आइए टेस्ट करते हैं, सही में
कबाब का मतलब भाई कुरेशी कबाब, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह पे, क्योंकि थोड़े से पैसे अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, आ जाओ। अब हम आपको लेके आए हैं अपनी लास्ट जगह पे, जहाँ पे मोहब्बत शरबत बनाया जाता है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। बनने जा रहा है सर मोहब्बत शरबत, और ये देखिए अब गोली की स्पीड से एकदम काटना शुरू करेंगे। क्या जबरदस्त इनकी स्पीड है, मतलब ये दुबई वाला जो इनका एकदम पहनावा है और जो तरीका है ना, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है यहाँ पे, जिससे लोग ना खींचे आते हैं। और ये देखो भाई, पूरा बाल्टी भर के मोहब्बत शरबत डाला जा रहा है यहाँ पे। अब आ चुकी है मेरी बारी, ठीक है। बहुत ही अलग है और ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आपको जामा मस्जिद में देखने को मिलेगा। एक से एक कलाकार लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये देखो, ओह भाई साहब, ओए होए होए होए, सच्ची में भाई अभी तक ना भाई मैंने ऐसी कुछ चीज ना कहीं भी ट्राई नहीं करी, और जामा मस्जिद में तो भाई पहले कुछ ऐसी यूनिक एकदम कॉन्सेप्ट आया है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, आप ये देख सकते हैं, निजाम फूड्स, जहाँ पे मिलता है 60 रुपए का बढ़िया सा मलाई टिक्का। जी हाँ, तो देखिए भाई साहब यहाँ पे बन रहा है, तो लीजिए मेहरबान, तैयार होने जा रहा है भाई। कितने मोटे मोटे पीस हैं आप जरा चेक करिए, कोई विश्वास कर सकता है 60 रुपए के अंदर खिलाया जा रहा है? भैया सच्ची में झूठ तो नहीं बोल रहे? सच्ची में भैया। अरे भाई लीजिए, और ऊपर से देखिए मक्खन डाला नहीं जा रहा, बिल्कुल भिगोया जा रहा है, और ऊपर से आगे इनका मसाला, और ये आ गया जी भाई साहब जबरदस्त, और ऊपर से डाला जाएगा और बटर। ये हो गया तैयार, लाइए। ये तैयार हो चुका भाई हमारा 60 रुपए का बढ़िया सा बेहतरीन सा, देखिए आप, मलाई टिक्का। तो आइए टेस्ट करते हैं भाई साहब, जबरदस्त। जहाँ पे लोग ना चिकन के नाम पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना, ये बढ़िया थाई वाले पीस खिला रहे हैं, और 60 रुपए के अंदर ऐसा कहीं मिल सकता है भाई? मुझे तो नहीं, मत लगता है भाई कहीं पे मिलेगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, ठीक है। और जब तक प्लान बनाइए यहाँ पे आने का, ठीक है, जो कम प्राइस के अंदर कुछ बढ़िया चीज़ खाना चाहते हैं, ये जगह आप ही के लिए है।